15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारत ने अभी तक 74 स्वतंत्रता दिवस मना लिया है और इस साल भारत 75 स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रही है। आपको बता दें कि भारतवासियों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1947 में आज के ही दिन भारत ने ब्रिटिश शासन से संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त किया था और तब से ही ये भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। भारत को पूरे 200 साल के पहले संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। आपको बता दें कि भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हाथ था। महात्मा गांधी ने ही भारत आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। स्वतंत्रता दिवस का दिन हमारे भारत सेनानियों द्वारा किए गए त्याग बलिदान की याद दिलाता है। आज हम आपको उन भारत के सेनानियों के बारे में बताते हैं जिसे आपको आज़ादी के दिन वापस से स्मरण हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई और सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आजादी के लिए कई संघर्ष किया था और उस संघर्ष में कईयों ने अपनी जान तक गंवा दी। प्रति वर्ष इसी दिन भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किला पर झंडारोहण कर भारत को संबोधित करते हैं। आपको बता दें कि आयोजन के बाद सभी स्कूलों में बच्चे रंगारंग कार्यक्रम करते हैं। अभी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के साथ एक बहुत ही बड़ी सूचना दी है। आपको बता दें कि हम स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं लेकिन कोविड को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा दिए गए नियमों में कहा गया है कि किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो तो 2 गज की दूरी रखें और मास्क जरूर लगाएं। इसी के साथ सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।